हाय एवरीवन वेलकम टू करण ग्रंथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो तो काफी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा टेस्ट सीरीज जो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिया था ऑलरेडी उसका वीडियो सोल्यूशन है ये ठीक तो है तो इसमें काफी नई बातें आपको देखने को मिलेंगी तो ये वीडियो जरूर एंड तक देखना बेनिफिशियल है आपके एग्जाम्स के लिए तो मुझे काफी बच्चे आंसर की मांग रहे थे देखो आंसर की पहले देने का कोई फायदा नहीं होता है उसका फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर बच्चों के पास ऑलरेडी आंसर की रहेगी ना यू विल बी विल्प्टेड टू नो कि हर क्वेश्चन के बाद क्या आंसर है तो एक तो आपको टाइम लिमिट का अंदाजा नहीं रहेगा एंड सेकेंडली आप ब्रेन नहीं करोगे मतलब एक क्वेश्चन पे आप ज्यादा सोचोगे नहीं टाइम नहीं लगाओगे हल्का सा डाउट आएगा एंड यू विल चेक दी आंसर ठीक है तो इस वजह से आंसर की पहले प्रोवाइड करना जो है वो मुझे बेनिफिशियल नहीं लगा आपके लिए तो वीडियो सोल्यूशन में क्या होगा एक तो आपका रिविजन हो जाएगा एंड देन काफ़ी चीज़ें और एड्रेस हो जाएंगी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स और आप नए कॉन्सेप्ट्स भी हो सकते हैं आपको पता चले इस वीडियो में ठीक है तो आप क्या करोगे आप पेन पेपर लेके बैठो एंड जो भी आपको कुछ नया सीखने को यहाँ पे मिलेगा वो आप अपने नोट्स में ऐड करते जाओ ठीक है एंड अगर आप मेरा वीडियो तब देख रहे हो जब एग्जाम ऑलरेडी सर पर है एंड आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक तो आई वुड सजेस्ट जो मेरी मैराथन सीरीज़ है रिविजन सीरीज़ प्लस ये एम सी क्यू सीरीज़ ये दोनों जो है आप ज़रूर एग्जाम से पहले करके जाओ एटलीस्ट ये टेस्ट सीरीज़ और ये मैराथन सीरीज़ जो है आपकी कवर होनी चाहिए ये कम टाइम में भी आपका कवर हो जाएगा ठीक है तो पहले उनके लिए बता दूँ जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं कि मैं इस पर कोर्सेज लेके आ रही हूँ आपके जेके एस एस बी के सुपरवाइजर एग्जाम के जिसमें हमारा स्पेशलाइजेशन पार्ट जो है कवर हो गया है अब उसकी करंटली हमारी मैराथन कम रिविज़न सीरीज चल रही है एंड साथ में टेस्ट सीरीज़ ठीक है तो इस टेस्ट में हम हमारा जो यूनिट वन है कम्पलीटली वो कवर करेंगे और उसके बाद आपका जो आगे के यूनिट्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे ठीक है एंड अगर आप यूपीएससी स्टेट पी की प्रिपरेशन कर रहे हैं सोशोलॉजी आपका ऑप्शनल है तो भी आपके लिए चैनल बेनिफिशियल रहेगी क्योंकि इस पर मैं स्टेट एंड यूपीएससी का सोचोलॉजी ऑप्शन भी कवर करवा रही हूँ करंटली हमारी नितिन सांगवान सर की सीरीज चल रही है जिसमें पेपर बी हमारा ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है एंड पेपर ए जो है वो ऑप्शनल का हमारा फिनिश हो गया है ठीक है तो अगर आप इन सब चीजों को मिस नहीं करना चाहते हैं डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एम जो कमेंट से बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं अगर आप चाहें तो आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं कमेंट में जो हार्ट के अंदर डॉलर साइन वाला ऑप्शन या आप मुझे वॉलेंटरली भी पे कर सकते हैं आपको यूपीआई आई मेरा पिन किया हुआ मिल जाएगा या आपको वो कॉमेंट के कॉमेंट में पिन किया हो या आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन से भी वो मिल जाएगा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर वन से द वर्ड सोशोलॉजी इज राइट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स क्वेश्चन है ये हर टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आपके आने के चांसेस होते हैं जो डायरेक्टली आपको फैक्चुअल बेस पे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो क्या है इसका आंसर सोशेस एंड लॉगोस ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है क्या होता है आपका सोशेस ये एक लैटिन वर्ड से निकला है मतलब कंपेनियन एंड लोगोस इज योर ग्रीक वर्ड इसका मतलब होता है रीजन करना और स्टडी तो स्टडी ऑफ कंपेनियनशिप विच इज नथिंग बट यूर स्टडी ऑफ सोसाइटी दैट इज योर सोशोलॉजी ठीक है विच टर्म डिस्क्राइब्स बेस्ट विच ऑफ दो फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द टर्म सोसाइटी तो हमें इसमें से देखना है कि सोसाइटी क्या है क्या सोसाइटी स्टैटिक है नहीं कॉमन सेंस पे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आप नहीं पढ़ा स्टैटिक होती है कोई चीज़ जो चेंज ना हो जो एक ही रहे तो जो दस साल पहले सोसाइटी थी कि आज भी वही सोसाइटी है नहीं सोसाइटी डायनेमिक होती है स्टैटिक नहीं होती है ठीक है सोशल कंट्रोल हाँ हमने सोशल कंट्रोल पढ़े फॉर्मल कंट्रोल इनफॉर्मल कंट्रोल इनफॉर्मल में हमने देखा नॉर्म्स होते हैं वैल्यूज आपके फोक वेज वगैरह ये क्या है दे नथिंग बट द इनफॉर्मल कंट्रोल जो सोसाइटी आप पे पुट करती है आप सोसाइटी में अपनी मन मर्जी नहीं करते कुछ आपको चीजें सोसाइटी के अकॉर्डिंग करनी होती हैं ठीक है थीके? डिविजन ऑफ लेबर होता है सोसाइटी में हाँ होता है डिवीजन ऑफ लेबर मैंने काफी बार एक्सप्लेन किया है आप एक कॉम्प्लेक्स टास्क को अलग अलग सिंपल टास्क में डिवाइड करते हो अपनी फैमिली में ही देखो जहां पे आपको सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा कि फादर के कुछ टास्क होते हैं मदर के कुछ टास्क होते हैं ब्रदर के कुछ टास्क होते हैं सिस्टर कोई चीजें करती है ठीक है तो ये एक स्मॉल एग्जाम्पल है डिवीजन ऑफ लेबर की तो क्या सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर है हाँ पुरानी सोसाइटीज में चाहे कम डिवीज़न ऑफ लेबर हो नई सोसाइटीज मॉडर्न सोसाइटीज़ में ज्यादा डिवीज़न ऑफ लेबर होता है लेकिन डिवीज़न ऑफ लेबर आपको सोसाइटीज में देखने को मिलेगा आइसोलेशन क्या सोसाइटीज आइसोलेशन में होती है नई सोसाइटी के लिए आपको म्यूचुअल इंटरेक्शन जरूरी है ठीक है एक म्यूचुअल रिलेशनशिप डेवलप होना जरूरी है तो आइसोलेशन इसका आंसर नहीं आएगा तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था क्वेश्चन कह रहा था इसमें से कौन सी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है टर्म सोसाइटी को तो स्टैटिक नहीं करती है आइसोलेशन नहीं करती है इसका आंसर होगा बी एंड सी तो इसका फोर्थ आंसर है ऑगस्ट कॉम्टे जो थे ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे फादर ऑफ सोशोलॉजीज ऑगस्ट कॉम्टे विथ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोसाइटी इज इन करेक्ट अब हमें क्या देखना है इनकरेक्ट तो जो ये की वर्ड्स है इनकरेक्ट लिखा होता है करेक्ट लिखा होता है ये जरूरी देख के जाना जैसे मैंने कैपिटल में लिखा है ठीक है हो सकता है एग्जाम में आपको कैपिटल में लिखा हो या ना लिखा हो तो इससे आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर मैं यहीं पर यही क्वेश्चन बनाऊ की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोसायटी इज करेक्ट तो इसका जो आंसर है पूरा उल्टा हो जाएगा तो इन की वर्ड्स पर जरूरी ध्यान देना इसी चीज की वजह से मैं आपको बोलती हूँ टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज ये सोल्व करना काफी इंपॉर्टेंट है तो मैन प्रिफर्स टू लिवन आइस ेशन no, नो मैंने आपको पहले ही बोला की आइसोलेशन में इंसान नहीं रहता है म्यूचुअल अवेयरनेस इंटरक्शन रिलेशनशिप डेवलप होती है सोसाइटी में ह्यूमन लाइफ इन सोसाइटी डज नॉट ऑलवेज गो टूगेदर ये भी गलत है क्योंकि आपके ह्यूमन लाइफ के साथ साथ आपकी सोसाइटी चलती है ठीक है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया सोसाइटी इज ए स्टार्टिंग एंटिटी ये भी इनकरेक्ट हो गया मैं है मैंने आपको बताया डायनेमिक है सोसाइटी डिपेंड्स ऑन ऑनली कॉन्फ्लिक्ट नहीं सोसाइटी में आपको कॉपरेशन भी देखने को मिलता है एंड कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है या इन अदर वर्ड सोसाइटी में आपको लाइकनेस भी देखने को मिलती है एंड डिफरेंसेस भी देखने को मिलती हैं तो इसका आंसर होगा ऑल आर क्वेश्चन नंबर देखते हैं व्हाट इज अ अट्रीआरकल सोसाइटी मेट्रीआरकल कौन सी होती है अथॉरिटी लाइज विद द एल्डेस्ट मेल मेंबर नो ये कौन सी सोसाइटीज होती हैं आपकी पेट्रियार्कल यंगेस्ट डॉटर हैज ऑल द अथॉरिटी नो ये हमने नहीं पढ़ा एलडेस्ट सन एंजॉय अथॉरिटी नो ऐसा भी हमने कुछ नहीं देखा अथॉरिटी लाइज विद द फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली ठीक है ये आपकी मेट्री आर्कल होती है फाइंड द इनकरेक्ट वंस वन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये किसने दिया था हॉबीज ने ये करेक्ट है और इन्होंने इनकी बुका नाम क्या था लेवेथियन जिन्हें कहा था सोसाइटी डेवलप हुई थी एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो ये चीज़ मैं पूरी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी रिविजन सीरीज में भी एक्सप्लेन किया हुआ है आपके लेक्चर्स में भी फिर मेट्रीआर्कल थेरी ये किसने दिया था मेन ने नहीं मेट्रीआर्कल थेरी दिया था जेंकीज ने एंड पेट्रीआर्कल थेरी दिया था आपका मेन ने ठीक है तो ये भी इनकरेक्ट है ये भी इनकरेक्ट है बी एंड सी इसका आंसर होगा ऑप्शन लिखना मुझे भूल गया है सोशल डार्विनिज्म किसने दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने ठीक है सोशल डाविनिज्म क्या होता है बेसिकली डाविन ने हमें कौन सी थ्योरी दी थी डाविन ने हमें कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ठीक है तो जो स्पीशी आपकी इन्वाय जो पुरानी सी स्पीशीज आपकी नई एनवायरमेंट जो है उसको एडजस्ट कर पाए वहां पे सरवाइव कर पाए वही फिट हो जाएगी फॉर सर्वाइवल एंड वही आगे जो है वो रहेगी ठीक है ये हर्बर्ट ये किसने कहा था डार्विन ने फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने इसी थ्योरी को कहाँ पे यूज करा आपकी सोसाइटी में तो इन्होंने कहा जैसे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती जाती है तो जो इंडिविजुअल्स इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं सिर्फ वो सर्वाइव करते हैं नेक्स्ट आपकी सोसाइटी में तो वो था सोशल डार्विनिज्म ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन

अंड ट्रेडिशनल मॉडर्न सोसाइटी ये आपका कहा था इमाइल दुर्खीम ने इन्होंने कहा था जैसे आपका डिविजन ऑफ लेबर जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता है आप ट्रेडिशनल से मॉडर्न सोसाइटी में आ जाते हो तो इनका जो डिविजन ऑफ लेबर का प्रोसेस है वो सारा मैंने इन डिटेल लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं या फिर आप मैराथन सीरीज क्विक रिविजन के लिए भी देख सकते हैं तो इन्होंने क्या दिया था आपका जेमिन शार्ट एंड जैसल शार्ट ठीक है फर्ड एंड ने अब देखो ये जेमिन शाफ्ट जैसल शार्ट पे काफी कॉमेंट्स आते हैं बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं देखो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो ठीक है इसमें सिर्फ मत याद रखो जैसल शाफ्ट आपका एसोसिएशन है सोसाइटी नहीं है या सोसाइटी है एसोसिएशन नहीं है ऐसे कमेंट्स मैंने देखे एक दो कमेंट्स ठीक है तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है जो जेमिन शाफ्ट है वो आपका रिलेटेड होता है कम्युनिटी से ठीक है एंड कम्युनिटी मतलब ये किस चीज से रिलेटेड होगा ये एक ट्रेडिशनल सोसाइटी होगी तो जहाँ पे कम्युनिटी या ट्रेडिशनल सोसाइटी आएगी तो वहां पे कौन सी चीजें होंगी वो सोसाइटी जिनकी कॉपरेशन ज्यादा होगी ठीक है जो जिसमें इंडिविजुअल का इंटरेस्ट ज्यादा नहीं सोचेंगे जिसमें कलेक्टिव इंटरेस्ट की ज्यादा बातें होंगी ठीक है मतलब एक ग्रुपिज्म की बातें होंगी ना एक ग्रुप का गुड कलेक्टिव गुड सोचने के लिए सबका अच्छा और जैसल है आपका इसको हम एसोसिएशन से रिलेट करते हैं तो एसोसिएशन को आप रिलेट करोगे सोसाइटी से सोसाइटी का मतलब हुआ जहां यहाँ कम्युनिटी आपने बात करी यहां पे सोसाइटी मतलब यहाँ पे आप बात करोगे थोड़ा मॉडर्न सोसाइटी की जहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट जो है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी कलेक्टिव गुड के बारे में नहीं सोचोगे इंडिविजुअल गुड के बारे में सोचोगे तो अब इसमें क्यों बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कोई बोलता है जैसल शेफ्ट एसोसिएशन नहीं है ये सोसाइटी है सोसाइटी नहीं है एसोसिएशन नहीं है इसीलिए क्या होता है मैं मैं इसीलिए मेरे लेक्चर्स आपके जो होते हैं थोड़ी स्लाइड्स एक्सटेंड हो जाती हैं थोड़े लेक्चर लंबे हो जाते हैं क्योंकि बात आपके कॉन्सेप्ट की है दिस शोज की आपको ये चीज समझने में कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है जेमिन जमिन शाह तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना इसके ये एसोसिएशन है या सोसाइटी है ठीक है इसको आप एसोसिएशन से भी रिलेट कर सकते हो सोसाइटी से भी बेसिकली आप इसको रिलेट करते हो मॉडर्न सोसाइटी से ठीक तो ये हो गया आपका जमीन द वर्ड कम्युनिटी तो कॉम का क्या मतलब होता है कॉम का मतलब होता है टुगेदर एंड म्यूनस मीनस टू सर्व तो कम्युनिटी क्या हो गया टू सर्व टुगेदर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ कम्युनिटी आपको देखना है क्या डिस्क्राइब करता है कम्युनिटी को लाइकनेस करता है हाँ क्योंकि डिफरेंसेस नहीं उसमें लाइकनेस होती है लोकैलिटी ये भी करता है कम्युनिटी को एंटेगरिज्म ये नहीं करता है कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है वी फीलिंग ठीक है वी फीलिंग दैट मीन सेंटिमेंट्स जो होते हैं वो ज्यादा अटैच होते हैं कम्युनिटी में तो आप बोलोगे तीन चीजें हैं लेकिन इसका अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे दो तीन ऑप्शन आपको लगे करेक्ट है एंड आपको ऐसे आंसर नहीं दिया हो ए एंड बी ठीक है कि आपको दो एक से ज्यादा चूज नहीं करने होंगे तो आप देखोगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तो कम्युनिटी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो वी फीलिंग है ठीक है ये हमेशा के लिए याद रख लेना हु सेट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन डेली किसके लिए यूज किया है ये एसोसिएशन के लिए यूज किया गया है एसोसिएशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन डिलिबरेटली फॉर्म फॉर द कलेक्टिवर्सुट ऑफ सम इंटरेस्ट और अ सेट ऑफ इंटरेस्ट विच इट्स मेंबर्स शेयर तो आपको बोल रहे हैं ये किसने कहा है ये कहा है मैकाइवर ने ठीक है एसोसिएशन होता क्या है ग्रुप ऑफ ग्रुप फॉर दर्स ऑफ एन इंटरेस्ट और ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट इन कॉमन एक ग्रुप जो आप कोई इंटरेस्ट परस्यू करने के लिए बनाते हो या ये कोई स्पॉन्टेनियस ग्रुप है जो फॉर्म किया जाता है और लुक करने के लिए इंस्टीट्यूशन नहीं ये होमोजीनियस यूनिट है हैविंग स्पेशल कैरेक्टर नहीं ग्रुप ऑर्गेनाइज फॉर द परसन ऑफ एन इंटरेस्ट हैविंग नो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं क्योंकि इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं तो इसमें इसका आंसर क्या आएगा ग्रुप हैविंग ग्रुप ऑर्गेनाइज फॉर द पर्स ऑफ एन इंटरेस्ट जैसे मैं आपको बोलती हूँ फुटबॉल एसोसिएशन होती है तो इसका कोई एक ग्रुप इसका कोई एक रीजन होता है ना किसी स्पेसिफिक इंटरेस्ट के तहत ये बनाया होता है फुटबॉल को एडवोकेट करना प्रमोट करना फुटबॉल को ठीक है अन फुटबॉल खेलना फिर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना अपने मेबर्स के लिए तो ये वॉलंटियरली ग्रुप फॉर्म होता है वॉलंटियरली जो मेम्बर्स होते हैं उसमें ज्वाइन करते हैं कोई स्पॉन्टेनिटी में नहीं आता मतलब अचानक से ग्रुप नहीं बन जाता है अचानक से एसोसिएशन नहीं बनती है तो इसीलिए ये सारी चीजें नहीं आएंगे इसका होगा, community. क्या, community का no. के कोई रिटन रूल्स एंड फॉर्म्स नहीं देखो हम भी एक कम्युनिटी का पार्ट है फॉर एक्साम्पल हम बोल सकते हैं कि हम कश्मीरी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं ठीक है तो ऐसा तो नहीं है ना अगर हम यूएस में रहेंगे वहां पर हमारी छोटी सी कम्युनिटी बनेगी कश्मीरी कश्मीरी लोगों की कश्मीरी कम्युनिटी तो हाँ मतलब कुछ फेस्ट होंगे कुछ कल्चर वैल्यूज़ होंगी जो आप साथ में एंजॉय करोगे एंड ऑल लेकिन ऐसा नहीं है कि रिटर्न फॉर्मेट में आपको कोई रूल दिया जाएगा कि बींग अ कश्मीरी आपको हर टाइम फेरन पहनना है ऐसा कुछ नहीं है ना तो रिटर्न रूल्स एंड नॉर्म्स नहीं होते हैं इसके कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट होते हैं नहीं कम्युनिटी के जनरल इंटरेस्ट होते हैं ना कि स्पेसिफिक ठीक है ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करी है मेंबरशिप इन कम्युनिटी इज कंपलसरी मेंबरशिप कंपल्सरी है अगर आप कश्मीरी फैमिली में कश्मीरी कम्युनिटी पैदा होते हो आप खुद को अंग्रेज कंसीडर नहीं कर सकते चाहे आप पचास साल भी फॉरेन में क्यों ना रहो आप मेंबर रहोगे चाहे आप को कश्मीरी पसंद हो ना हो लेकिन ये आप पे है ये ये आप पे कंपल्सरीली आप क्या हो आप कश्मीरी कम्युनिटी का पार्ट हो क्योंकि आप इसमें पैदा हुए हो तो इसका आंसर होगा डी विच आर द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द फीचर्स ऑफ ए कम्युनिटी लॉन टेनिस एसोसिएशन नहीं है तो एसोसिएशन ही है महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ यूनिट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन नहीं क्योंकि इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे ठीक है इसमें सारी वो चीजें ये किसी एक कलेक्टिव uh, पर्सिट या इंटरेस्ट uh, के लिए बना होगा तो ये भी नहीं है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल एंड एथनोलॉजिकल इसमें भी कोई कम्युनिटी वाली फीलिंग नहीं होगी वी फीलिंग नहीं होगी लाइकनेस नहीं होगी अब ये देख लो नोएडा सेक्टर फाइव एसोसिएशन लिखा हुआ है लेकिन आप देखो ये बना किस लिए है ये एक लोकैलिटी में कोई लोग रहते हैं उनके वेलफेयर के लिए एक ग्रुप बना हुआ है तो आप बोल सकते हो ये एक काइंड ऑफ कम्युनिटी बनी है उन लोगों की जो वहां पे रहते हैं तो इसका आंसर होगा आंसर सी विच ऑफ दॉट टिपिकल ऑफ कम्युनिटी ब्यूरोक्रेटिक अरेंजमेंट्स इसमें नहीं होती है फेस टू फेस रिलेशन होते हैं स्मॉल स्केल होता है सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है तो विच इज नॉट टिपिकल ऑफ कम्युनिटी तो आंसर होगा ए ब्यूरोक्रेटिक अरेजमेंट्स इसमें कोई ब्यूरोक्रेटिक अरेंजमेंट नहीं होती है आप नेचुरली जो है उस कम्युनिटी में पैदा हुए हो उस कम्युनिटी के मेंबर बनते हो उसके कुछ इनफॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हो कोई रिटर्न नॉर्म्स वैल्यूज हाइ ये सारे कॉन्सेप्ट कम्युनिटी से रिलेटेड नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है इंडस्ट्रियल सोसाइटी के हेटीरोजिनिटी देखो आपके पास होमोजिनिटी आता है एक चीज एंड एक चीज हेटीरोजिनिटी आता है होमोजिनिटी होता है सिमिलैरिटी जिसमें चीजें सिमिलर होती हैं हेटीरोजिनिटी होता है जिसमें डिफरेंट होती हैं या स्पेशलाइजेशन होती है फॉर एग्जाम्पल हम जब बोलते हैं कि पुराने जमाने में होमोजेनिटी थी दैट लोग ऑलमोस्ट सेम काम में एंगेज होते थे सारे एग्रीकल्चर करें तो सारे खेती बाड़ी के काम में इन्वॉल्व होते थे एक गुरु होता था स्पिरिचुअल गुरु वो आपका रिलीजियस हेड भी होता था आप मेडिसिनल uh, पर्पस के लिए इलाज वगैरह करने भी उन्हीं के पास जाते आपका हकीम भी वही होता था आपका टीचर भी वही होता था तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक होमोजेनिटी एक होमोजेनिटी के या एक होमोजेनस यूनिट के एक होमोजेनस सोसाइटी के हेटीरोजिनिटी में क्या होगा आपको सर में दर्द होगा तो आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे आपको गले में दर्द होगा आप ईएनटी के पास जाओगे ठीक है आपके कहीं जनरल प्रॉब्लम होगी आप फिजिशियन के पास जाओगे तो क्या होता है एक डिफरेंट एंड एक डिफरेंशियल या एक स्पेशलाइजेशन मिलती है आपको तो हर चीज के लिए आपके पास डिफरेंट लोग हैं उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए तो उसको हम बोलते हैं हेटीरोजिनस सोसाइटीज तो आप खुद ही देख लो कौन इसमें से नहीं है कैरेक्टर इंडस्ट्रियल सोसाइटी का इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या आपको मिलती है या मिलती है? तो है क्योंकि उसमें आपको मैकेरिटी रिकॉल करो हमने दुर्खेम में पढ़ा था मैंने आपको कहा था दो तरीके की सोलिडरिटीज होती हैं एक होगी सोलिडारिटी मैकेनिकल और एक होती है आपकी ऑर्गेनिक मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक तो जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी है वो किन सोसाइटीज में पाई जाती है वो आपकी जो अर्लियर सोसाइटीज होती हैं आपकी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ डिफरेंसेस कम होती है लाइकनेस ज्यादा होती है सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर होता है जैसे फिर जब आपका डिवीजन ऑफ लेबर जो है कॉम्प्लिकेट होता जाता है उस टाइम के लिए जो यूनिटी एंड सोलिडरिटी की जरूरत होती है उसके लिए टर्म यूज किया था उन्होंने ऑर्गेनिक सोलिडारिटी तो वो कहते थे कि जो यूनिटी है वो दोनों सोसाइटीज में है अर्लियर ट्रेडिशनल सोसाइटीज में जो यूनिटी है वो लाइकनेस की वजह से है तो उस टाइप की सोलिडारिटी को उन्होंने मैकेनिकल सॉलिडारिटी कहा था लेकिन जब फिर मॉडर्न सोसाइटी की तरफ आ गए जहाँ पे डिफ्रेंसिएशन बढ़ गई डिविजन ऑफ लेबर बढ़ गया उस सोसाइटी में भी लेकिन यूनिटी प्रेजेंट थी वो यूनिटी थी किसकी वजह से आपकी स्पेशलाइजेशन की वजह से उस टाइप को इन्होंने कहा था ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी तो अगर यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो आप मेरे लेक्चर्स में जो मैंने काफ़ी डिटेल में इलाबोरेट मैनर में आपको एक्सप्लेन किया है यहां पे मैं उतना डिटेल में नहीं बोल सकती अदरवाइज सारे लेक्चर्स रिविजन के हो जाएंगे एंड क्लियरिंग के हो जाएंगे तो फिर टेस्ट सीरीज का मतलब ही क्या रहेगा तो उसके लिए आपको मेरा ये लेक्चर देखना होगा जहां पे मैंने टाइप्स ऑफ सोसाइटीज डिस्कस किया है वहां पे मैकेनिकल ऑर्गेनिक जो है वो इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है। वापस आते हैं क्वेश्चन पे ऑफ द तो फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडस्ट्रियल सोसाइटी तो हेटीरोजिनिटी है, है मैकेनिकल नहीं है क्योंकि मैकेनिकल सॉलिडारिटी किसमें आपको मिलती है ट्रेडिशनल सो, सोसाइटीज में ना कि मॉडर्न सोसाइटीज में मोबिलिटी है क्योंकि मोबिलिटी होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना इसमें आपको जो पुरानी सोसाइटीज़ थी अगर आप किसी एक कास्ट में पैदा हुए हो आप फॉर एग्जांपल क्षेत्रीय पैदा हुए या वेश्या पैदा हुए हुए या शूद्रा तो आपके लिए ब्राह्मण बनना काफ़ी मुश्किल था लेकिन मॉडर्न सोसाइटीज़ में क्या होता है इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में आपने थोड़ी एजुकेशन ले ली आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आप एक मिडिल क्लास से एक हाई क्लास जो है वो मूव हो सकते हो तो इस चीज को हम बोलते हैं मोबिलिटी जितनी आपकी सोसाइटी मॉडर्न होगी उतनी मोबिलिटी पॉसिबल हो जाएगी तो मोबिलिटी भी है अगेन रिप्रेसिव लॉज ये भी दुर्खेम का कॉन्सेप्ट है इन्होंने हमें दिए थे रिप्रेसिव एंड रेस्टिट्यूटिव लॉज तो जो रिप्रेसिव लॉज थे ये पुरानी सोसाइटीज़ में होते थे ये आपको रिफॉर्म करने के लिए नहीं होते थे आपको बस पनिश करने के लिए होते थे लेकिन मॉडर्न सोसाइटीज़ में क्या होता है देखो जेल में भी देखो आप जेल में उनसे कुछ काम करवाते हैं कोई वो पत्थर तोड़ रहा होता है कोई कारपेंट्री का काम कर रहा होता है फिर पैसे भी कमाते हैं ठीक है ताकि उनको क्या मिले जब वो जेल से निकले उनके पास कुछ पैसे और अपनी लाइफ को अच्छे से जो है जी सके तो ये रिफॉर्म करने के लिए होते हैं आपको तो जो रेस्टिट्यूटिव लॉज होते हैं ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी का फीचर है और जो रिफॉर्मेटिव और जो रिप्रेसिव लॉज हैं वो आपकी ट्रेडिशनल सोसाइटीज का फीचर है प्रिमेटिव सोसाइटीज का ठीक है तो ये कौन से ये ऑप्शन क्लियर हो गए अब क्वेश्चन क्या था ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी मैकेनिकल सॉलिडारिटी नहीं है रिप्रेसिव लॉज नहीं है तो इसका आंसर होगा बी एंड डी दैट मीनस ए टू एंड फोर विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ प्रेजेंट सोसाइटी यूज़ ऑफ़ फैमिली मेबर एज़ लेबरस करते हैं वो सारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठे काम करते हैं आइसोलेशन नहीं होती है बल्कि वहाँ पे रिलेशन अच्छे होते हैं फेस टू फेस इंटरेक्शन अच्छा होता है फैमिली एज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पशन वो दोनों होते हैं क्योंकि पूरी फैमिली लगी हुई है काम करने में बीवी भी खेती बाड़ी कर रही है बच्चे भी उसी में इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर वर्क में तो फैमिली एक्ट करेगी एज़ प्रोडक्शन भी एंड कंजम्पशन भी एग्रीकल्चर एज अ वे ऑफ लाइफ तो ये भी फीचर है प्रेजेंट सोसाइटी का तो हमें क्या क्वेश्चन में बोलना था विच ऑफ दॉटी होती है सोशल ऑफ लिटिल ट्रेडिशन इन इंडिया तो हमने लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन लिटिल ट्रेडिशन रिलेटेड होता है आपके वही गाँव वाले एरिया से विलेज एरिया एंड ग्रेट ट्रेडिशन यूजली बोला जाता है जो आपके अर्बन एरिया के ट्रेडिशन होते हैं उनको ठीक है तो इसका क्या आएगा आंसर फोक आर्टिस्ट स्टडी ऑफ द डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ सोशलॉजी रिव्यूज एट इट इज साइंस ऑफ सोसाइटी हाँ स्टडी ऑफ द्स रिलेशनशिप ये स्टडी ऑफ सोशल हर्बर्टेंस मॉडल ऑफ सोसाइटी हर्बर्ट स्पेंसर जो मैंने किससे रिलेट किया था डावनिज्म से ठीक है तो इसका आंसर होगा ऑर्गेनिज्मिक और्गानिस्में क्या होता है इन्होंने क्या कहा था बेसिकली जैसे आपकी बॉडी जो है काम करती है इंटर रिलेटेड इंटर डिपेंडेंट है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है लेक्चर्स में कि अगर आपका फॉर एग्जांपल हार्ट काम करना बंद करे आप ये नहीं कह सकते चलो ब्रेन काम कर रहा है तो मैं जिंदा हूँ लंग्स काम करे तो मैं जिंदा हूं अगर आपकी किडनी भी फेलियर हो जाए तो इंसान आपकी नहीं मतलब ऐसे ही ये बोलने में आते हैं आपके अब आप इससे भी ये नहीं होता ना कोई एक शायद ये हो गया था ऑफेंड हो गया था कि आप आपकी क्यों ऐसे बोलते हो तो ये बस फ्लो फ्लो में निकल जाता है मुंह से इसका ये मतलब नहीं मैं आपको ये बोल रही हूँ तो अगर किडनी फेलियर किसी का हो जाता है तो वो इंसान हो सकता है वो हो सकता क्या है वो इंसान मर जाता है दैट मीन्स जो सारे उसके ऑर्गन्स हैं वो कैसे इन कोऑर्डिनेशन काम करते हैं तो हबर्द स्पेंसर ने क्या कहा था आपकी सोसाइटी में भी यही होता है सारे जो चीज़ें हैं आपके मतलब सारे जो पार्ट्स हैं सोसाइटी के फॉर एग्जाम्पल फैमिली हो गया या रिलीजन हो गया या लॉ हो गया ये सारे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, हैं ठीक है पार्ट्स ऑफ द सोसाइटीज एंड जो इन कॉर्डिनेशन काम करते हैं इन कॉर्डिनेशन जैसे इंसान के बॉडी पार्ट्स काम करते हैं तो इसको हम ऑर्गेनिजम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू डैशाइट और फॉन्ड बामिंग टूगेदर अग्रिंग एंड मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट टू लिव साइड बाई साइड हीसने कहा था थॉमस हॉबीज ने यह भी हमने डिस्कस कर लिया ग्रुप माइंड थेरी ये किसी दी थी मैक डॉगल ने बिलीव दट सोसाइटीज अबाउ द इंडिव्यजुअल ठीक है बिलो की बात नहीं की थी पोल अपार्ट नहीं कहा था विद इंडिविजुअल नहीं कहा था इन्हें कहा था, जो ग्रुप माइंड है उसको ओवर एन इंडिविजुअल माइंड इन सोसाइटी विच द फॉलोइंग इज वेरी मच एसोसिएटेड विद अ ग्रुप माइंड थेरी इसका हमने क्या कहा था एक तो आपकी दी किसने थी मैकडोगल्ड ने दी थी एक हीगल थे और एक बॉसनक नाम था ठीक है बॉसिन को तो ये जो है एसोसिएट हैं किससे ग्रुप माइंड थेरी से डैश इज एन इंस्टेंट ऑफ इंस्टेंस ऑफ एन एसोसिएशन तो पेयर ग्रुप नहीं है क्योंकि उसमें पेयर ग्रुप होता है जिसमें आपके रिलेशन अच्छे हों एंड देन इनफॉर्मल होता है काफी फेस टू फेस इंटरक्शन कम्युनिटी वो सेंटिमेंट वो वाली चीजें विलेज में भी वही होता है प्ले मेड ग्रुप में भी ऐसा कुछ खास नहीं होता है जो आप एसोसिएशन बोलोगे तो इसका आंसर क्या है ए चर्च कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं फॉलो करने होते हैं वॉलेंटरली आप जो आ, ये है उसके मेंबर्स बनते हो ठीक है डैश इज करेक्टराइज बाय बहुत लाइकनेस एंड डिफरेंसेस इसमें आपका आएगा सोसाइटी अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉमटे डैश इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी तो ऑगस्ट कॉमटे ने हमें दो चीजें कही थी सोसाइटी में एक सोशल स्टैटिक कहा था चीज होती है एंड सोशल डायनामिक होता है स्टैटिस्टिक्स एंड डायनेमिक्स ठीक है स्टैटिस्टिक्स होता है जिसे नाम से आपको पता चलेगा स्टैटिक्स सॉरी स्टैटिस्टिक्स नहीं स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स तो स्टैटिक कौन सी चीजें होती हैं जो चेंज नहीं होती हैं जिसमें आपका रिलेशनशिप आएगा जैसे इंटर रिलेशनशिप आता है सोशल ऑर्डर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी तो वो क्या हो गया स्टैटिक एंडने कहा सोसाइटी में चेंजेस भी आना शुरू हो जाती है सोशल प्रोसेस हो जाता है सोशल चेंज इन सोसाइटी हो जाती है कुछ सोशल प्रोसेस इवॉल्व करते हैं एंड सोशल चेंज तो उसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया था टर्मिनोलॉजी से सोशल डायनेमिक्स तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस पार्ट्स तो इसका आंसर होगा ए सोशल स्टैटिक्स हु गेव द नेम सोशल फिजिक्स टू सोशोलॉजी वो दिया था ऑगस्ट कॉम्टे ने क्योंकि ये कहते थे ऑगस्ट कॉम्टे जो थे एक पॉजिटिविस्ट थे पॉजिटिविस्ट थे दैट मीनस ये कहते थे हमें सोसाइटी को वैसे ही पढ़ना चाहिए जैसे साइंटिस्ट जो है वो नेचुरल साइंस को पढ़ते हैं दैट मीन्स कोई अगर बातें आप सोसाइटी के रिलेटेड बोल रहे हो वो आप एक्सपेरिमेंट करो करके बोलो वो वेरिफाइबल होनी चाहिए ऐसे आपको ऊपर ऊपर से कुछ नहीं बोलना आपको प्रूव करनी है अपनी बातें वही मतलब हुआ आपके पॉजिटिविस्ट का है बड़ा स्कूल ऑफ थॉट है इतना बस आप याद रखो अगर एग्जाम में आ गया पॉजिटिविज्म तो वो यही होता है कि जो पॉजिटिव स्कॉलर्स थे आपके जिसमें ऑगस्ट कॉम्टे बहुत बड़ा नाम है वो कहते थे सोसाइटी को वैसे पढ़ो जैसे साइंटिस्ट किसको पढ़ते हैं नेचुरल साइंस को साइंस को आप कैसे पढ़ते हैं आपको कोई चीज प्रूव करनी है आप लेबोरेटरी में टेस्ट करोगे तो उनका भी यही मतलब था जो चीज टेस्टेबल होगी टेस्टिफाइबल होगी वेरिफाइबल होगी वही बात है आप सोशलॉजी में भी बोलो तो इतने इंस्पायर्ड थे इस आइडियोलॉजी से कि सोशोलॉजी को पहले इन्होंने सोशल फिजिक्स ही कहा था ठीक है विथ ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूज बाय मेकाइवर फॉर डिफाइनिंग अ कम्युनिटी नोट्स में नहीं होगा लेक्चर में भी कहीं नहीं होगा इसका आंसर टू एंड फोर है मेकाइवर ने दो चीजें कही थी वी फीलिंग और कॉमन टेरिटरी विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलेटेड टू एसोसिएशन क्या क्या है एसोसिएशन के साथ डेफिनेट एंडस होते हैं स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है इसका क्लोज इंटरेक्शन नहीं होता है क्लोज इंटरेक्शन आपका कम्युनिटी वगैरह का पार्ट है ठीक है एंड फिक्स्ड क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप हाँ मेंबरशिप का कोई क्राइटेरिया होगा ज्वाइन करने का जैसे कोई भी आके अपनी मर्जी से कोई भी एसोसिएशन ज्वाइन नहीं कर सकेगा ठीक है तो इसका आंसर रहेगा डेफिनेट एंड वन टू एंड फोर वन टू एंड फोर ए कम्युनिटी इज द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप अकॉर्डिंग इज अ ग्रुप दैट कैन एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ वी इंसली डेविस ने कहा था

Type of society, इनको आप क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाओ तो पहले आ गया आपका primitive communism, उसके बाद है आपकी एंशियर सोसाइटी फिर है आपकी, आपकी बर्जो सोसाइटी तो वो हो गया आपका टू फोर थ्री वन टू फोर थ्री वन जो बी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये जो डिवीजन है ये किस ने दिया था उनका नाम बताओ अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्खीम रिप्रेसिव लॉज इज अ फीचर ऑफ विच सोसाइटी तो रिप्रेसिव मैंने आपको लॉस बताया अभी दो रिप्रेसिव होते हैं एंड रेस्टिट्यूटिव होते हैं तो रिप्रेसिव किसका है प्रिमेटिव टाइप ऑफ कल्चर है ठीक है ये उस सोसाइटी में है जिस सोसाइटी का कैरेक्टर क्या है प्रिमेटिव व्हाट डज इंस्टीट्यूशन मीन इंस्टीट्यूशन क्या होता है क्या ये कोई एजुकेशन प्लेस है जहां पर आपको एजुकेट किया जाता है नहीं इट मीनस अ प्लेस वेयर ओनली टेक्निकल एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट नो ऐसा कुछ भी नहीं है टर्म है जो डिनोट करता है सोशल डेवलपमेंट वो कौन से यूनिट्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली रिलिजन मैरिज जो कि प्रोसीजर फॉलो करते हैं जिसमें कुछ आपको एक तरीका होता है रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं आपका बिहेवियर कंडक्ट करने के वो आपके इंस्टीट्यूशन होते हैं विच ऑफ दूशन फैमिली अभी मैंने ऊपर दी थी social values are important because these promote group harmonies promote happy life ya do not touch social arrangements ya they give legitimacy to social behavior social values ka hoga a they give legitimacy to social behavior an institution can be best described as a complex of authority no status no roles no procedures मैंने आपको कहा कुछ procedures होते हैं जो follow करते हो institution में जैसे अगर आप एक family institution का part हो फैमिली इंस्टीट्यूशन का तो उसके कुछ सेट ऑफ प्रोसीजर्स होंगे जो आपको फॉलो करने होंगे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे ठीक है तो इसका आंसर होगा प्रोसीजर्स ऑल द रोल्स भी इसका ये हो सकता है रोल्स एंड प्रोसीजर्स लेकिन सिंसे अलग अलग इसमें दिया हुआ है तो इसमें यूल गो विद द प्रोसीजर्स ज फॉर नॉन कम्पलायसपेक्टेशन अगर आप ग्रुप एक्सपेक्टेशन पे नहीं चलते हो तो आपको क्या मिलेगा ठीक है या अगर आप ग्रुप एक्सपेक्टेशन पे चलोगे तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे अगर आप नहीं चलोगे तो आपको पेनल्टीज या पनिशमेंट्स मिलेंगी तो इसके लिए कलेक्टिव टर्म है जिसको हम बोलते हैं सैक्शन इम्पोज किए जाएंगे द कम इधर इन दॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स इफ यूर फॉलोइंग द ग्रुप एक्सपेक्टेशन देर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द ग्रुप एक्सपेक्टेशन और यूल हैव टू फेस सर्टन टाइप ऑफ पेनल्टी और पनिशमेंट अगर आप जो ग्रुप एक्सपेक्टेशन है वो सही से फॉलो नहीं कर रहे हो द बेहेवियर दैट डिपार्ट significantly फ्रॉम वैल्यूज norms एंड फोक वेज ऑफ society इज कॉल्ड इसको क्या बोलते हैं डिवियंस अगर आपको एक्सपेक्ट uh, किया जाता है आप इस पाथ पे चलो लेकिन आप इस पाथ पे चल रहे हो ठीक है आप ये पाथ फॉलो नहीं कर रहे हो तो इसको क्या बोला जाता है कि आप डिवियंट हो फॉर एग्जाम्पल आपके घर में रूल है सुबह दस बजे से पहले उठने का लेकिन आप दस बजे के बाद उठते हो तो आप इस पाथ पे आपको जाना है आप दूसरे पाथ पे जा रहे हो आप दस बजे के बाद उठते हो तो आपको फैमिली एक डिवेंट कंसिडर करेगी Which of the following statements are correct? Is are correct? Interpersonal relations in most societies are regulated by. So तो interpersonal relations को कौन regulate करता है? Folkways and mores हाँ इस ये regulate कर देता है. Religious institutions हाँ ये भी आपको interpersonal relation के बारे में बोलते हैं आपसी बाई चारा रखो and all that. Legal institutions नहीं. Legal institutions आपको कोई ये नहीं बोलते कि आपको friends के साथ family के साथ कैसे बात करनी है. ठीक है वो आपका religion और आपके जो norms and values society में बने होते हैं सिर्फ वही चीजें देखती हैं. तो answer होगा one and two only. इन्फॉर्मल नॉम्स और एवरीडे कस्टम्स दैट मे भी वॉयलेटेड विदाउट सीरियस कॉन्सिक्वेंसिस विद इन अ पर्टिकुलर कल्चर अकॉर्ड तो इन्फॉर्मल नॉम्स हैं एवरीडे कस्टम्स हैं दैट मे बी वॉयलेटेड लेकिन कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा उनको वॉयलेट करने का तो so, ये क्या होते हैं आपके फोक वेज

डैश आर एस्टैब्लिश रूल्स ऑफ बिहेवियर और स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट वो कौन हो गया आपके नॉर्म्स जो टर्म फोकवेज है वॉज इंट्रोड्यूस इंड सोशोलॉजिकल लिटरेचर बाय ग्राहम विलियम समनर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोक वेज इज करेक्ट दे रिफ्लेक्ट द मोरलिटी ऑफ सोसाइटी नहीं मैंने कहा मोरलिटी किससे रिलेटेड है आपके मोर्च से दे रिम इन ऑल सिचुएशन नो फोक है चेंज होते रहते हैं, आपके पास thousands में folkways जो हैं पड़े हुए हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को नमस्ते करते हो सलाम करते हो ये आज का फोक वे है दस साल बाद हो सकता है आपको कोई और तरीका हो किसी को ग्रीट करने का ठीक है तो फोक वेज जो है चेंज होते रहते हैं सेम नहीं होते हैं सारे सिचुएशन में दे आर द वीकेस्ट नॉर्म्स लेस लाइकली टू कैरी एनी सिवियर पनिशमेंट हाँ इनको आप बोल सकते हो वीकेस्ट नॉर्म्स बेसिकली जो फोक वेज एंड मोर्स हैं वो आपके नॉम्स के पार्ट होते हैं जिनको आप डिस्टिंग्विश करते हो उनके कंटेंट के बेसिस पे नहीं बल्कि उनकी पनिशमेंट की सिवियरिटी के बेसिस पे इसीलिए कोई चीज ऐसी हो सकती है जो फोक वे भी हो और मोर भी हो लेकिन अब आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि अगर वो चीज आप नहीं करते हो तो पनिशमेंट कैसी होगी फोकवेज की पनिशमेंट बहुत मिनिमल या जीरो पनिशमेंट होती है लेकिन मोर्स अगर आप नहीं मानोगे तो आपको कुछ जो है सीवियरिटी ऑफ पनिशमेंट फेस करनी पड़ेगी इनकी एग्जाम्पल्स के लिए आप मेरा पीडीएफ चेक कर सकते हो कंपाइल पीडीएफ जो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड करा है या आप जो है मेरे ग्रुप लेक्चर्स भी है मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है फोक वे मोर्स वगैरह सारा दे रिमेन्स सेम इन ऑल सिचुएशन तो मैंने ये दो सेम ही ऑप्शन लिखे नहीं आंसर क्या था क्वेश्चन क्या था अभी जो दो स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोक वेजिस करेक्ट तो इसका आंसर होगा सी आर फोक वे इज फोकवेडर टू बी एसेंशियल टू अ अटीज सर्वाइवल नो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सोसाइट फोक वे अगर ये नहीं होगा तो सोसाइटी सर्वाइव नहीं करेगी ऐसा हमने कहीं नहीं देखा द थिय ऑफ सोशल स्टार्टिफिकेशन ऑफर्ड डेविस एंड मोरे इज नोन एज उसको हम फंक्शनल थे बोलते हैं क्योंकि इन्होंने क्या कहा था स्टार्टिकेशन जो फंक्शन फॉर द सोसाइटी है इसमें इन्होंने बात की थी इफेक्टिव रोल एलोकेशन की ये क्या करता है इफेक्टिव रोल एलोकेशन करता है दैट मीन्स ये जो लोग डिजर्विंग होते हैं और टैलेंटेड होते हैं ये उनको उनकी वो पोजिशन दिलवाता है

नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच द तो फॉलोइंग मैरिज आर कंसैन गुनसनगुनस कौन गुनस सी होती है आपकी जो ब्लड रिलेटेड होती है है ठीक अब आपको बोले कौन सी शादी जो है इसमें ब्लड रिलेशन पे डिपेंडेंट है जहां पे है है वो दुल्हन की मदर के ब्रदर का बेटा दैट ममेरे भाई बहन है तो ये भी ब्लड रिलेशन आ गया सेकेंड इज थर्ड देखते हैं पहले जो ब्राइड ग्रूम है टू तो ब्राइड मदर्स ब्रदर तो ये भी आपके मामू वाला रिलेशन ही है ये भी आपके ब्लड रिलेशन में आ गया ब्राइड ग्रूम इज ब्राइट्स फादर सिस्टर सन तो ये बुआ वाला रिलेशन आ गया ये भी ब्लड रिलेशन आ गया सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है ब्राइड ग्रूम इज ब्राइट्स ये दुल्हा है ब्राइड ग्रूम और ये कौन है ये दुल्हन के ब्रदर की वाइफ का ब्रदर तो मतलब ये कोई ब्लड रिलेशन नहीं है ये आपकी शादी जो हो रही है ससुराल के किसी रिलेटिव से हो रही है ठीक है तो ये कंसनग्युनेस नहीं होगा तो इसमें कंसनग्युनेस कौन से होंगे वन थ्री एंड फोर मैच द फॉलोइंग तो इन्सेस्ट पता है क्लोज रिले रिलेटिव के बीच में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप होता है उसको हम इनसेस्ट बोलते हैं एग्जोगेमी कौन सा आपका ये मैरिज है टाइप ऑफ जो आपको एक ग्रुप के बाहर करनी होती है एग्जो मीन्स आउटसाइड योर ग्रुप ठीक है तो एग्नेट हम किसके लिए यूज करते हैं जो आपके पेट्रिलीनियल कजन्स होते हैं पेट्रिलीनियल किन्स और मेट्रिलीनियल के लिए क्या वर्ड है वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ ठीक है

तो डी आपका टू हो गया दैट मीन्स आपका ऑप्शन है ए है या सी ठीक है ए भी हो गया अब आपको बी और सी में चूज करना है ए और डी तो सिंप सिंपल था कॉग्नेट हो गया इसमें मैंने आपको मेल कजन भी आते हैं एंड फीमेल भी तो किन थ्रू एनी लिंक सी वन तो इसका आंसर होगा सी एंड बी इज फोर बी क्या था हमारा कंजुगल रिलेशन तो कंजुगल रिलेशन कौन से होते हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ये आपके मैरिज से रिलेटेड है एंड एक्जोगी भी जो है आपके मैरिज से रिलेटेड है ठीक है तो इसका आंसर होगा सी फैमिली फॉर्म्ड आफ्टर मैरिज देखो फैमिली दो तरीके की होती है एक तो हम फैमिली ऑफ ऑरिएटेशन बोलते हैं एक फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन बोलते हैं ऑरिएंटेशन होता है फैमिली जिसमें आप पैदा हुए होते हैं एंड प्रोक्रिएशन होता है जो आपकी मैरिज के बाद बनती है जिसमें आप प्रोक्रिएट करते हैं जिसमें आपके बच्चे आगे पैदा होते हैं ठीक है ठीके? तो हमारी है फैमिली ऑफ आफ्टर मैरिज वो हो गया प्रोक्रिएशन

सोसाइटी कोहरेंट है बिकॉज इंडिविजुअल अनडिफ्रेंशिएट हाँ इंडिविजुअल्स रिजेंबल इच अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी फॉलो स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है तो इन्होंने सिर्फ इसमें ये वाली चीज़ कही थी कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिकल सॉलिडारिटी है वो किससे रिलेटेड है जो इंडिविजुअल है वो अनडिफ्रेंशिएटेड है एंड इंडिविजुअल्स रिजेंबल ईच अदर दैट मीन्स आप सेम टाइप का जो है काम वो परफॉर्म करते हो ज्यादा डिफरेंसिएशन नहीं मैंने कहा एक ही बंदा होगा वो आपका स्पिरिचुअल गुरु भी है वो आपको पढ़ाता भी है एंड वही आपका हकीम भी है तो वो उस सेंस में बोला गया है यहाँ पर रिजेंबल अदर तो इसका आंसर होगा वन एंड टू स्ट फ्रॉम शूद्र वर्ण एम्यूलेट द कस्टम हैबिट मैनर्स ड्रेस एलॉन्ग विदर कल्चर एलिमेंट ऑफ हाई कास्ट जब लो कास्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा इसको बोलते हैं एम एन श्रीनिवास ने इन समोसाइटी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर होती है थ्रू इन द मेन लाइन फ्रॉम फादर टू दंगेस्ट सन उसको क्या बोला जाता है उसको हम बोलते हैं अल्टीमोजेनेचर यंगेस्ट सन को अगर प्रॉपर्टी मिलेगी या अगर बेटी को मिलेगी डॉटर को तो उसको अल्टेमोजेनेचर बोला जाता है प्राइमोजेनेचर जब आपको एल्डेस्ट सन को प्रॉपर्टी मिलती है पेट्रीलियल क्या होता है अपना डिसेंट कहाँ से ट्रेस करतेनियज फादर साइड से एंड पेट्रियार की होता है वो फैमिली जिसमें अथॉरिटी किसकी होती है फादर की इन हाइपोगेमस मैरिज इन हिंदू सोसाइटीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जोगी इज प्रेक्टिस्ड तो हाइपोगेमस मैरेजेस ठीक है हाइपोग कौन हमारे पास दो टाइप की हमने देखी हाइपोग एंड हाइपरगैमस ठीक है दोनों एक्सोगैमस हैं क्योंकि आउटसाइड योर ओन ग्रुप आप शादी कर रहे हो आप आउटसाइड ग्रुप क्या शादी कर रहे हो हाइपर गैमस में क्या होगा लड़का हाई कास्ट का होगा तो वो आउटसाइड ग्रुप शादी करके लो कास्ट लड़की से शादी करेगा एंड हाइपोगैमस में क्या होगा जो लड़का होगा वो लो कास्ट का होगा एंड वो अपने ग्रुप से बाहर जाके एक्सोगैमी परफॉर्म करके हाई कास्ट लड़की से शादी करेगा ठीक है तो जो हाइपोगैमस है इसको हम अनुलोमा इसको हम प्रतिलोमा भी बोलते हैं प्रतिलोमा मैंने कहा था ऐसे याद रख लेना प्रति लो लो दैट कास्ट का होगा हाइपोगैमस में एंड को हम अनुलोमा भी बोलते हैं इसमें जो पति होता है वो हाई कास्ट का होता है और जो हाइपोगैमस के ऑफ स्प्रिंग होते हैं जिसमें लड़का लो कास्ट का होता है उनको हम निष्द बोलते हैं या चंडेल्स बोलते हैं या चंडाल्स बोलते हैं ठीक है थीके? तो क्वेश्चन कहता है हाइपोगैमस मैरिज मैंने क्या कहा लड़का जो है वो लो कास्ट का होगा तो मैन इज ऑफ लोअर कास्ट तो उसका बी होगा ऑप्शन

क्या कास्ट बेसिस पे होता है नहीं जो सोसाइटीज होती है इंडस्ट्रियल वो क्लास बेसिस पे होती हैं ठीक है कास्ट बेसिस आपकी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी स्टैटिफाइड ऑन द बेस ऑफ क्लास एंड स्टेटस येस इंडस्ट्रियल सोसाइटी हिंडर्स सोशल मोबिलिटी नहीं सोशल मोबिलिटी जो है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में होती है और प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में नहीं होती है काफी कम होती है तो क्वेश्चन कह रहा था हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोशल स्टार्टिफिकेशन इंडस्ट्रियल सोसाइटी तो इसका आंसर होगा थ्री ओनली थ्री क्योंकि हिंडर नहीं करता है कास्ट पे नहीं है अनसर्टिफाइड नहीं है तो आंसर इज बी द टर्म फ्रैक्ट्री फ्रैक्ट्री हम किसको बोलते हैं ये मैंने आपको पढ़ाया है ग्रुप ऑफ क्लांस को फॉलोइंग स्टेटमेंट सोशल सर्टिफिकेशन यूबिकुशस दैट मीन्स सोशल स्टार्टिफिकेशन यूनिवर्सल है चाहे हाँ, वो कास्ट के बेसिस पे हो जेंडर के बेसिस पे हो ठीक है आपके क्लास के बेसिस पे हो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया अलग हो सकता है लेकिन स्टार्टिफिकेशन इन वन फॉर्म और अदर हर सोसाइटी में प्रेजेंट है कास्ट एंड क्लास जो है एग्जाम्पल सोशल सर्टिफिकेशन येस संस्क्रिटाइजेशन जो है टेक्स प्लेस आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट सिस्टम नहीं क्योंकि इसमें हाई कास्ट लो कास्ट को फॉलो करते हैं तो आउटसाइड तो नहीं है तो इसमें आपको बताना है सही क्या है इसमें सही है वन एंड टू

क्या है इसमें री सोशलाइजेशन फैमिली कोई सेंस नहीं बना रहा है स्कूल मीट्स द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड स्कूल टीचर्स आर सोशलाइजिंग एजेंट्स तो स्कूल में आपकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन ही हो रही है तो ये ये प्राइमरी सोशलाइजेशन ठीक है तो ये उस चीज से रिलेटेड है ये भी आपका नहीं आएगा री सोशलाइजेशन वर्क प्लेस अ पर्सन इज ऑफन रिक्वायर्ड टू ऑल्टर वन बिहेवियर पैटर्न एंड एम्बाइव न्यू सोशल वैल्यूज तो इसको एज एन पूरा सोशलाइजेशन रिसोशलाइजेशन वाला नहीं बोलेंगे क्योंकि वर्क प्लेस में क्या होता है आप कुछ टाइम के लिए हो थोड़ी वैल्यूज उनकी अडॉप्ट करोगे थोड़ा बहुत फेक करोगे एंड देन वर्क प्लेस भी आप स्विच करते रहोगे आज एक जगह काम करोग को दूसरी जगह काम करोगे ठीक है तो ये भी इसका ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है इंडिविजुअल्स लर्न न्यू नॉर्म्स एंड वैल्यूज एज दे बिकम एडल्ट्स ठीक है ये रिसोशलाइज क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हो आपको क्या करना होता है काफी चीजें आप अनलर्न करते हो जो बचपन में सीखी हैं फिर रीलर्न करके आप नए से एक सोशलाइजेशन जो है अपने अंदर लेके आते हो तो इसका आंसर होगा डी अब यहाँ पे मुझे बोलना था मैंने आपको सोशलाइजेशन में एग्जाम्पल दी थी मैरिज की मैरिज जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ री सोशलाइजेशन क्योंकि मैरिज में क्या होता है आपकी फैमिली के अलग वैल्यूज अलग सोशलाइजेशन हुई होती है फैमिली में फिर जब आप अपने दूसरी फैमिली में जाते हो शादी के बाद तो आपको नई चीजें सीखनी पड़ती है पुरानी कुछ चीज़ों को आप अडॉप्ट करते हो मॉडिफाई करते हो डिस्कार्ड करते हो ठीक है तो किसी ने कहा था मैरिज जो है वो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है ना कि री सोशलाइजेशन अब देखो एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है जब आप किसी एक ग्रुप को के जो है फॉलो करते हो किसी एक ग्रुप को फॉलो करना शुरू कर देते हो क्योंकि आपको उस ग्रुप में मेंबरशिप चाहिए ठीक है तो अगर आप अपनी शादी होने से पहले से ही ससुराल वालों के रंग में रंग जाओ कि मैं वही सारी चीजें करूं जो उनको मैं पसंद आऊ मुझे उस ग्रुप में मेंबरशिप चाहिए मुझे अपने ससुराल में अच्छा मेंबर बनना है अच्छी बहू बनना है तो पहले से आप वो चीजें करना शुरू हो जाओ वो एक एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन होगा लेकिन अब आपकी शादी हो गई है आपने एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन नहीं करी है ठीक है आप वहां जाते हो एंड वहां जाके आप नई चीजें सीखते हो पुरानी चीजें भूलना शुरू करते हो या उनको थोड़ा मॉडिफाई करते हो तो वो रिसोशलाइजेशन आएगा ठीक है तो ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के कंटेंट पर मैरिज आपका मोस्टली रिलेटेड होगा रीसोशलाइजेशन से ही क्योंकि कितने ही लोग होंगे जो पहले ही खुद को सोशलाइज करना शुरू करेंगे क्योंकि पहले उनको पता ही नहीं होगा कि उनके जो ससुराल है वहां का क्या तौर तो तरीका है फोन पे बात करने से थोड़ी पता चलता है वो तो शादी के बाद पता चलता है एक्चुअल हकीकत क्या है ठीक है तो ये चीज आप क्वेश्चन के कंटेंट पे जज करोगे द डिफरेंस बिटवीन कोटम एंड माता अमंग कश्मीरी पंडित्स रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन तो कश्मीरी पंडित का क्वेश्चन था इसीलिए मैंने यहाँ पर इक्लूड किया क्योंकि जेके एस एस बी का एग्जाम है तो कोटम एंड माता माल क्या होता है आपके एग्नेट्स एंड नॉन एग्नेट कागनेट्स ठीक है ये चीज़ यह होता रखने एग्नेट्स आपको पता है पेट्रीनियल वाले वो वाला एंड जो नॉन एग्नेटिक कॉग्नेट्स होंगे आपके जो आपके बाकी थ्रू एनी मेल थ्रू एनी लिंक जो आपके साथ कनेक्टेड होंगे आपके वो वाले कजन्स तो वो आपके आएंगे कॉग्नेट्स तो माता माल किसको बोलते हैं वहाँ नॉन एग्नेटिकटिक कॉग्नेट्स को एंड कॉटम्ब इज योर कॉग्नेट्स किनशिप हैज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग तो किनशिप में आपको फॉर्म सिस्टम ऑफ डिसेंट भी मिलेंगे मेट्रीलिनल है या पेट्रिलील है रिलेशन ऑफ कंजें कंसनक्यूनिटी भी मिलेगा आपको ब्लड रिलेटेड वाले किन्स भी होते हैं ठीक है जो आपको ब्लड रिलेशन से मिलते हैं बाद में आपके एफिनल किन्स भी होते हैं जो आपको मैरिटल रिलेशनशिप से मिलते हैं एंड एफिनल रिलेशनशिप वहाँ से भी आपकी किनशिप डिवलप होती है तो इसका आंसर होगा वन ट्वेंट थ्री विच आर दॉलोइंग बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ मैरिज फॉलोड बाई मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया तो नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है मैंने आपको कहा था कास्ट एंडी होती है एंडी होता है एक कास्ट के विद शादी करना एंड एक्जुगामी किस किस टाइप की मैंने कहा था आपको विलेज एग्जुगैमी होती है गोत्र एग्जुगैमी होती है पिंडा सपिंड एग्जुगैमी जिसको बोलते हैं एंड और था आपका प्रवारा जो एक गुरु को मानते हैं ठीक है थीके? तो इसका आंसर होगा ए विज एक्जुगामी एंड गोत्र एक्जुगैमी तो हमारे पास दो तरीके के स्टेटस होते हैं एक तो होगा एस्क्राइब्ड एंड एक होता है आपका अचीव अस्क्राइब्ड स्टेटस कौन सा होता है जो आपको बाय बर्थ मिलता है इसीलिए क्योंकि आप उस फैमिली में पैदा हुए हो अचीव जो आपको खुद अपने अचीवमेंट पर डिपेंड करता है ठीक है अगर आप कल को ये पोजिशन जो है जिसके लिए आप ये पोस्ट के लिए पढ़ रहे हो वो आप हासिल कर लेते हो तो वो आपका अचीव स्टेटस होगा और जिस फैमिली में आप पैदा हुए हो आपकी जो भी कास्ट है वो आपका एस्क्राइब स्टेटस है ठीक तो है तो क्वेश्चन क्या कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इज द टाइप ऑफ सोसाइटी जिसमें एस्क्राइब स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल अ पर्सन सोशल पोजिशन तो एस्क्राइब स्टेटस हम किससे रिलेट करते हैं प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी से जहां पे आप ब्राह्मण हो आप जिंदगी भर ब्राह्मण रहोगे और आपका कोई और स्टेटस नहीं होगा लेकिन फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या होता है आप अचीवमेंट की बात करते हैं मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट आपने कितना पढ़ा आपकी इनकम क्या है ठीक है तो वो इसमें आता है सीनोगेमी को क्या बोलते हैं ग्रुप एक्सो ग्रुप मैरिज ठीक है group exo, group marriage, पेटर जो सोशल फादरहुड है इज डिटर्मेंड इन मिन ऑफ द फोलिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स तो टोडास की एक सेरेमनी है बो एंड एरो सेरेमनी से देखते हैं बो एंड एरो सेरेमनी से सोशल फादरहुड जो है वो क्या है क्योंकि अगर एक लेडी है उसे काफी हस्बेंड हैं तो फिर कौन डिटर्मिन करेगा कि उसका जो फादर है वो क्या होगा तो वो डिटर्मिन करने के लिए एक सेरेमनी परफॉर्म होती है इसको बो एंड सेरेमनी बोलते हैं एंड उस टर्म को हम बोलते हैं पेटर तो अगर बायोलॉजिकल फादरहुड की टर्म आ जाती है उसको हम बोलते हैं जेनेटर नहीं, कहां, -कहां प्रैक्टिस होती है ऐसे वाले क्वेश्चंस जो हैं ये इनके ट्राइब्स वगैरह के नाम आपको याद रखने मैंने रिवीजन सीरीज में भी पढ़ाया है तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अब विच द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट एम ऑफ मैरिज अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म हिंदुइज्म मैंने आपको कहा धर्म प्रजा एंड रति ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट है लेकिन ये प्रायोरिटी बेस पे पहला धर्मा आएगा दूसरा प्रजा एंड तीसरा रति धर्मा होता है कि इसको रिलीजियस ऑब्लिगेशन माना जाता है हिंदूज में प्रजा होता है फॉर प्रोक्रिएशन बच्चे आगे पैदा करने के लिए एंड रति इज योर बॉडीली प्लेजर उसके लिए तो इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंस वन आएगा पहली इंपॉर्टेंस सेकेंड इंपॉर्टेंस प्रजा एंड थर्ड इंपॉर्टेंस रति और, और कॉन्ट्रैक्ट किन में होता है मैरिज इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट वो मुस्लिम्स में होता है फॉलोइंग स्टेटमेंट मेकिंग ऑल फैमिली स्मॉल मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है किस चीज सोसाइटी की इंडस्ट्रियल सोसाइटी का फीचर है तो क्वेश्चन चलो ऐसे बनाते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल सोसाइटीज एंड ऑफ द वन इज ट्रू ठीक है तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में मेकिंग ऑल फैमिलीज स्मॉल एंड न्यूक्लेटेड ठीक है ये सच है

अब इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में क्या ज्यादा होता है इंडस्ट्रियल सोसाइटीज न्यूक्लियर फैमिलीज को प्रमोट करती हैं तो उसमें हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड ज्यादा होगा फीलियल एंड फेटर्नल जो है वो कम हो जाता है तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी का ये फीचर नहीं है फिर वीकनिंग ऑफ फैमिली नॉर्म्स एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड टुवर्स न्यू लोकल रीजन न्यू लोकल द शादी के बाद एक नया घर ये भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी का ही फीचर है तो अगर ये क्वेश्चन ऐसे होगा अब विच ओ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल सोसाइटीज तो उसका आंसर आएगा वन एंड थ्री ठीक है क्वेश्चन देखने में गलती हो गई अगर क्वेश्चन ये होता प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज ठीक है तो उसका आंसर होता सिर्फ टू टू ओनली शायद ऑप्शन लिखने में भी मुझे यहाँ पे गलत हो गया है तो आप खुद ही से ये जो है इसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे समझ लेना ये चीज क्या है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हाईराशन आर द पार्ट ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन यस कास्ट सिस्टम इज क्लोज सिस्टम ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन यस क्लास सिस्टम को कास्ट सिस्टम को हम क्लोज बोलते हैं और क्लास सिस्टम को हम क्या बोलते हैं ओपन क्योंकि उसमें जो मोबिलिटी है वो ईजी होती है कास्ट सिस्टम में नहीं होते जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा तो करेक्ट कौन होंगे बोथ अब देखो ये मैं जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसका रिवीजन इसकी लेक्चर्स मैराथन सीरीज वो सारी कवर हो गई है अब बस आपको हल्का हल्का थोड़ा आइडिया देना है कि ये क्या है जी एस बुरी ने क्या इसमें लिखा था कास्ट एंड रेस इन इंडिया वन सी तो अगर आपको सिर्फ पहला ही पता होगा आपका ऑप्शन सी सीधे आंसर आ जाएगा एम एन श्रीनिवासा ने डोमिनेंट कास्ट के बारे में कहा था ये कौन सी कास्ट होती है जो न्यूमेरिकली और इकोनॉमिकली पॉलिटिकली पावरफुल होती है ठीक है चाहे वो रिचुअली पावरफुल हो या ना हो लुई डिमो ने होमोहरिकस ठीक है जिसमें इन्होंने प्योरिटी एंड पोल्यूशन की बात करी थी ये भी हमने डिस्कस किया है एंड लेवी लेविस्ट्रॉस ने दिया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ बाइनरी ऑपोजिट तो इसका आंसर होगा सी इज ऑल्सो नोन एज हाइपरगैमी मैंने आपको अभी कहा क्या होता है अनुलोमा प्रतिलोमा हो गया पति लो कास्ट का वो होता है हाइपोगी ठीक सिलेक्शन बाय ट्रायल जिसमें वो डांस करके अपना मेट एक डांस परफॉर्म करके मेट अपना चूज करते हैं कौन होगा तो ये किस टाइप में होता है ये में होता है। इजाब जो है, पार्ट ऑफ मुस्लिम वो क्या होते है? इजाब जो है, ये होता है और कबूल का लड़के का प्रपोजल एंड लड़की का एक्सेप्टेंस पॉलीगैनी फॉर्म ऑफ पॉलीगैनी प्रैक्टिस इन इस्लाम नहीं ऐसा कुछ नहीं है तलाक का भी नहीं है एंड मेहर नहीं है मेहर क्या होता है आपका डॉवर जो लड़के को लड़की को देना होता है निकाह के टाइम पे विच ऑफ द

एंड लड़की जो है वो लो स्टेटस की है लो कास्ट की तो स्टेटस एसिमिट्री हो जाएगी बिटवीन ग्रुप्स ग्रुप्स कौन से जो आपस में शादी करें दैट करेंस लड़का और लड़की विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एस्क्राइब स्टेटस कौन सा नहीं है अभी देखो ध्यान से ब्राह्मण ये तो श्योर शॉर्ट एस्क्राइब स्टेटस हो गया ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हो प्रीस्ट का बच्चा प्रीस्ट बनने के बहुत चांसेस होते हैं आप एक रिलीजियस फैमिली में पैदा हुए हो नेता का बेटा नेता बनने के बहुत चांसेस है आप एक पॉलिटिकल फैमिली में पैदा हुए हो फॉर एग्जांपल आपका राहुल गांधी या इतने सारे जो हैं डायनास्टी रूलर जिनको बोलते हैं अब फादर फादर आपका स्क्राइब स्टेटस कभी नहीं हो सकता है आप पैदा हुए हो आप इसीलिए बाप कल को बनोगे नहीं फादर आपका अचीव स्टेटस है इट विल नेवर बी योर एस्क्राइब्ड स्टेटस बाकी जो यहाँ पे सारे हैं एस्क्राइब स्टेटस हो सकते हैं फॉलोइंग इज सो इटेंट फॉर द सोसाइटी दैट इट वेशन कॉल्सर पनिशमेंट वो आपके मोर्च होते हैं विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मुस्लिम मैरिज ठीक है मुस्लिम मैरिज के बारे में है इज करेक्ट पॉलिगामी इज प्रोहिबिटेड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स नो ये सिर्फ फीमेल्स के लिए प्रोहिबिटेड है मैरिज विद आइड लेटर्स इज ऑल्सो परमिटेड इफ गार्डियन ऑफ ब्राइड परमिट नो मैरिज विदर्स के साथ और स्लेव मैरिज जो है दोनों प्रोहिबिटेड है मैरिज विद इन क्लोज परमिटेड नो हमें पता है सर्टन क्लोज रिलेटिव में शादी नहीं हो सकती है जैसे मासी के साथ बुआ के साथ एंड ऑल दैट मामू के साथ तो वो एग्जाम्पल्स कौन सी हैं वो मेरे कंपाइल्ड पीडीएफ में मैंने आपको बताई हुई है सरोरल पोलिगैनी इज नॉट अलाउड सरोनी पॉलीगैनी क्या होता है बेसिकली पॉलीगाइन अलाउड है मेल जो है वो फोर वाइफ एट ए टाइम रख सकते हैं वन वाइफ सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ लेकिन मुस्लिम्स में क्या होता है मुस्लिम्स में अगर ये जो वाइफ्स हैं आपस में सिस्टर्स नहीं को वाइफ शुड नॉट बी सिस्टर्स जो सारी वाइफ्स हैं ये आपस में इसमें से बहनें नहीं होनी चाहिए मतलब आप दो बहनों से शादी नहीं कर सकते एक टाइम पे हाँ अगर वाइफ की डेथ हो जाती है फिर उसकी बहन से शादी अलाउड है लेकिन जब तक वो वाइफ जिंदा है उसकी बहन से शादी आप नहीं कर सकते हो इस टाइप ऑफ शादी को हम सरूरल बोलते हैं तो सरूरल पॉलेगा क्या होता है जहाँ पे जो पॉलेगा क्या होता है जिसमें मैनी फीमेल्स होती हैं अगर वो फीमेल्स आपस में सिस्टर्स होंगी उसको हम बोलते हैं सरूरल पोलेगनी अगर सिस्टर्स नहीं होंगी उनको बोलेंगे नॉन सरोनी तो मुस्लिम्स में मुस्लिम पॉलिगैनी प्रोहिबिटेड है ठीक है तो इसका आंसर होगा डी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड कोडिफाइड मोर्स हम किसको बोलते हैं लॉज को मैरिज बिटवीन सिंगल पेयर्स विदाउट इन्वॉल्विंग द एक्सक्लूसिव कोहैबिटेशन विद ईच अदर इज रेफर टू एज इसको बोलते हैं Family, जिसमें आप सेक्शुअल रिलेशनशिप एक दूसरे पे थोप नहीं सकते वो है? Family, वो टाइप ऑफ मैरिज होती है उनको हम बोलते हैं मैरेज बिटवीन सिंगल पेयर विदाउट इन्वॉल्विंग एक्सक्लूसिव कोहैबिटेशन मतलब आप थोप नहीं सकते एक दूसरे पे वो रिलेशन तो ये किसने दिया था उनका नाम आप कॉमेंट सेक्शन में बताओ ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है दूध लौटाना एक सेरेमनी है क्रॉस कजन मैरिज टाइप की ये भी हमने डिटेल में पढ़ा है क्रॉस कजन और पैरल कजन मैरिज है जिसमें पेरेंट्स के जो सिबलिंग ऑपोजिट होते हैं या पेरेंट के सिबलिंग सेम उनके ऑफस्प्रिंग के साथ आपकी शादी होती है तो दूध लौटाना किसकी सेरेमनी है किस ट्राइब uh, में फॉलो होता है गॉन्ड्स ऑफ मध्य प्रदेश मेल प्राइमोजेनेचर फॉर्म ऑफ सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस वॉज प्रैक्टिस अमंग द तो मेल प्राइमोजेनेचर क्या होता है पे पर सन को प्रॉपर्टी मिलती है ये कहाँ पे होता है ये नंबूदारी ब्राह्मण्स में होता है ये आपके पेट्रियॉर्कल फैमिलीज होती है नंबूदारी ब्राह्मण्स नायर्स जो है आपकी ये आपकी पेट्रिलीनियल है नायर्स आपकी मेट्रीलिनियल है तो नायर फैमिली यूनिट को हम क्या बोलते हैं तरव एंड जो आपकी पेट्रिलीनियल नंबूदारी ब्राह्मण है उनको हम बोलते हैं एलोम ठीक है तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है याद रखना एंड जो नंबूदारी ज्वाइंट फैमिलीज हैं इलोम वो कहाँ कहाँ होती है मुंडाज में एंड अंगमी में ठीक है एंड नायर्स कहाँ पे होते हैं खास सीजन गारूज तो ऐसे क्वेश्चन जो है पिछली बार आए हुए हैं इसलिए मैंने यहाँ पे ही आपको ट्राइब दोबारा रिपीट कर रही हैं ये साथ साथ रिवाइज कर लेना कौन सी ट्राइब में क्या होता है ईगोज वाइफ इज ईगो होता है आप अगर ईगो कहीं पे लिखा होता है ना सेल्फ ऑस इंसान की बात हो रही होती है इंडिविजुअल की ईगो की जो बीवी है वो उसकी क्या है प्राइमरी कंसेंगुनल के नहीं कंसेंगुनल कौन से होते हैं जो ब्लड रिलेशन पे डिपेंड होते हैं तो प्राइमरी तो है ही क्योंकि वाइफ वाइफ है 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 लेकिन एफिनल क्योंकि ठीक तो इसका आंसर होगा प्राइमरी एफिनल ये प्राइमरी सेकेंडरी टस्ट क्या होता है ये भी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी इफ अ मैरिड कपल लिव्स विद द ब्रदर ऑफ द ग्रूम्स मदर देन द कपल फॉलोज विद टाइप ऑफ रेजिडेंसी रूल्स अब देखो ब्रद मैरिड कपल लिव्स विद ब्रदर ऑफ ग्रूम्स मदर तो जहाँ पे मामू आ जाता है ना ब्रदर ऑफ मतलब मदर्स के ब्रदर जहाँ पे आ जाते हैं तो वहां के लिए एक टर्म है एवन एवन लोकल ठीक है ये एवनक्यूलेट जहां पे इंपॉर्टेंस मामू की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फादर तो एवन याद रख लेना एवन इज रिलेटेड टू ए मामू तो यहाँ पे होगा एवन लोकल अगजरे लोकल कौन सी फैमिलीज होती है मेट्री लोकल एंड वेरे लोकल इज एयर न्यू लोकल होती है जो एक नए रेजिडेंस में रहती है

वन द फॉलोइंग पेयर इज इज करेक्टली अ फॉर्म ऑफ मैरिज तो जो है एक डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ जिसमें मैंने आपको कहा था क्या होता है लड़की जो होती है इंटॉक्सिकेट या स्लीपिंग फेज में होती है लड़का सेक्शुअल रिलेशनशिप बना के उस साथ शादी कर लेता है तो वो पिसाचा आता है सरोट सबका नहीं सरोट क्या होता है जो साली और जेठ की शादी मैंने आपको कहा था ऐसे करके एस फॉर सरोट एस फॉर योर साली तो अगर कोई हस्बैंड होता है उसकी वाइफ इनफर्टाइल होती है या डेथ हो जाती है तो वो उसकी बहन से शादी करता है बाद में उसको हम सरूरेट बोलते हैं तो सरूरेट और सरूरल में कंफ्यूज नहीं होना सरूरल होता है जिसमें वाइफ आपस में सिस्टर्स होती हैं लेवरेट उसका उल्टा होता है वाइफ अगर हस्बैंड डेथ हो जाती है तो वो उस अपने जेट से शादी करती है ठीक है पॉली एंड्री रेल जिसका नहीं पॉली एंड्री क्या होता है एक वाइफ होती है मेनी हस्बैंड होते हैं तो डिसेंडेंट्स ऑफ कॉमन मेल एंड सिस्टर इनको हम क्या बोलते हैं एग्नेट्स बोलते हैं कॉगनेट मेल फीमेल दोनों लिंक ट्रेस होती है एवनक्यूलर इज रिलेटेड टू यर मामू मैंने कहा टेक्नोनाइमी क्या होता है जिसमें आप अपने हस्बैंड को डायरेक्टली नहीं बुलाते हो जैसे आप बुलाओगे उसको बबलू के पापा करके ठीक है तो नॉर्थ इंडिया में यूजली फॉलो होता है द रेजिडेंस रूल दैट गिव द चॉइस टू न्यूली वेज टू लिव विद द पेरेंट्स ऑफ ईदर द ग्रूम और द्राइट इसको हम बोलते हैं बाईलोकल एवन इज मामू न्यू इज नयास पेट्रोलोकल इज दुल्हे के फादर के साथ रहेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेट्रिलीनियल किन ग्रुप दिस इज योर खासी ठीक है और उसमें जो यंगेस्ट डॉटर है खासी में मेघालिया खासी ट्राइब मेघालिया में है यंगेस्ट डॉटर उसके लिए क्या टर्म यूज की गई है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मैरिज बाय अबडक्शन इट इज कॉल्ड राक्षसा जिसमें क्या होता है शादी करके आप मतलब लड़ाई करके उसको किडनैप करके लड़की को ले जाते हो और लड़ाई में डेथ वगैरह भी हो सकती है लड़की के जो रिलेटिव है उनकी फिर मैंने बोला बहुत ही जो डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ मैरिज है कंसिडर की जाती है अभी मैंने एक्सप्लेन की गंधर्व इज ए लव मैरिज वर्षा मैरिज होती है एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मैरिज में आती है इसमें क्या होता है जो लड़का होता है वो लड़की के फादर को पेयर ऑफ काउ और बुल या टू पेयर ऑफ काउस एंड बुल जो है वो प्रेजेंट करता है और बदले में वो उसको अपनी बेटी से उसकी शादी कराता है ठीक है विच इज हिंदू मैरिज इन विच अ डॉटर इज गिफ्टेड टू अ प्रीस्ट तो वो किसमें होता है देवी मैरिज में जो लड़की के फादर होते हैं वो गिफ्ट करते हैं सेक्रीफाइस करते हैं अपनी बेटी टू तो द प्रीस्ट ब्रह्म मैरिज होता है जो आपकी रिलीजियस ड्यूटीज के साथ परफॉर्म होती है कन्यादान करते हो आप नॉर्मली सेक्रेट मैरिज ऐसा कुछ नहीं है अर्श मैरिज मैंने आपको बताया अ स्पेशल रोल सिमिलर टू दैट ऑफ मेटरनल अंकल फॉर द फॉर दंस फादर सिस्टर्स इज डेजिगनेटेड एज तो जहां पे मेटरनल अंकल आ जाता है वहां पे क्या होगा एवं और uh, जो एमिटेट है वो कौन सा होता है फादर सिस्टर वाला बुआ वाला टेक्नोलॉमी मैंने कहा आपको एंड कोविड क्या होता है ये उन ट्राइब्स में होता है जहां पे हस्बैंड जो होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं पूरी वही चीजें जो प्रेगनेंसी में उनकी वाइफ फेस कर रही होती है वो सिक डाइट लेंगे ठीक है वैसे ही रेस्ट करेंगे जैसे उनकी वाइफ करेगी एंड कई ट्राइब्स में तो वो बेल्ट बांधते हैं पेट के इर्द गिर्द और कुछ वेट कैरी करते हैं जस्ट टू तो फील कि उनकी वाइफ को कितना वेट जो है कैरी करना पड़ता है प्रेगनेंसी के टाइम पे तो उसको हम उस प्रैक्टिस को हम कोविड बोलते हैं ऑपोजिट ऑफ जोकिंग रिलेशनशिप वो है आपका अवॉइडेंस ठीक है तो दो टाइप ऑफ रिलेशनशिप जोकिंग होता है जैसे आपके जीजा साली के बीच में होता है जैसे इंडिया में बोला जाता है नॉर्थ में खासकर साली आदिगर वाली तो वो जोकिंग रिलेशनशिप होता है अवॉइडेंस होता है जहाँ पे थोड़ा एक एक लिमिट मेंटेन करके रखते हो जैसे सन इन लॉ एंड मदर इन लॉ के बीच में या सन इन लॉ एंड फादर इन लॉ के बीच में ठीक है तो उन टाइप को हम क्या बोलते हैं अवॉइडेंस द मेन डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लासेज की कास्ट ऑपरेट करती है क्लासलेस सोसाइटी में एंड क्लास ऑपरेट करती है कास्टलेस सोसाइटी में ऐसा जरूरी नहीं है इंडिया में आपको कास्ट बेस्ड सर्टिफिकेशन या कास्ट भी देखने को मिलेगी एंड आपको इंडिया के अर्बन टाउन में क्लास सोसाइटीज भी देखने को मिलेंगी कास्ट इज ऑलवेज क्लोज एंड क्लास इज ऑलवेज ओपन अब देखो ये भी ऐसा नहीं होता है क्योंकि कुछ टाइप ऑफ मोबिलिटी जो है वो अलाउड है मतलब ऐसा पुराने जमाने में जब कास्ट को काफी रिजिड माना जाता था तब भी थोड़ी बहुत मोबिलिटी होती थी जैसे से तो ब्राह्मण नहीं बन सकते थे लेकिन क्षेत्रिया या वेशिया से क्षेत्रिया बनना क्षेत्रिया से ब्राह्मण बनना वेशिया से ब्राह्मण बनना ये सारी चीजें कुछ हद तक परमिटेड थी होती थी जो उसको एम एन श्रीनिवास ने एक चीज काफी एक्सप्लेन अब की हुई है ठीक क्लास इज ऑलवेज ओपन ऐसा भी जरूरी नहीं है आप बिल्कुल अगर आप लोअर कैटेगरी ऑफ क्लास को बिलोंग करते हो सो कॉल्ड लोअर कैटेगरी तो आपके लिए हाई क्लास में आना इतना आसान भी नहीं होगा तो ये भी आंसर ऑप्शन गलत होगा स्टेटस गिवन टू एन इंडिविजुअल इज एक्सक्राइब इन कास्ट एंड क्लास इट इज अचीव तो इसका आंसर सी होगा ठीक है कंसेप्ट ऑफ हायरिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लास स्ट्रेटिफिकेशन ये लुई डिमो ने दिया है फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू क्लास सिस्टम आर करेक्ट क्लास सिस्टम में भी रिगार्ड एज ए क्लोज सिस्टम नहीं वो हम किसको बोलते हैं कास्ट सिस्टम को क्लास सिस्टम में भी रिगार्ड एज एन ओपन सिस्टम येस क्लास सिस्टम ए पर्सन के नॉट मूव अप एंड डाउन द सोशल हाईरिटी नो हमने पहले भी डिस्कस किया मोबिलिटी जो है वो क्लास सिस्टम में परमिटेड है पॉसिबल भी है अब क्लास सिस्टम इज यूजली डिस्टिंग सोशल मोबिलिटी येस तो इसका आंसर होगा टू एंड फोर टू एंड फोर आर करेक्ट सोशल सर्टिफिकेशन इज फंक्शनिटी वॉज एम्पोसाइज बाय डेविस ये हमने बताया अभी मैंने आपको पहले भी चीज एक्सप्लेन करी रेप अप्रोच टू द स्टडी ऑफ स्टार्टिफिकेशन इज एसोसिएटेड विद तो हमने किसमें पढ़ा था थोड़ा रेप्यूटेशन की बात वो आप रिलेट करते हो कर सकते हो मैक्स वेबर के साथ तो मैक्स वेबर ने स्टार्टिफिकेशन का क्या कहा था क्लास स्टेटस एंड पार्टी ये चीज मैंने आपको पढ़ाई है

the study of social stratification is the study of social differences and social inequalities problems हमने नहीं डिस्कस करी इसमें ना ही सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन किया तो 2 एंड 3 इसका आंसर होगा मैक्स वेबरस अप्रोच द स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल इसको ट्राई पार्टी भी बोलते हैं ट्राई पार्टी ठीक है तो इसमें क्लास स्टेटस एंड पार्टी डिस्कस हुआ था एंड कार्ल मार्क्स का वन डायमेंशनल था उन्होंने सिर्फ क्लास के बेसिस पे स्टार्टिफिकेशन की बात करी थी हैव्स एंड हैव नोट्स ऑब्जेक्टिवली स्ट्रक्चर्ड इन इक्वालिटीज इन सोसाइटी आर एक्सप्लेन बाई मार्क्स इन टर्म्स ऑफ क्लास ठीक है क्लास ने, ने कहा था दो तरीके की होती है हैव्स एंड हैव नॉट्स आपकी सोसाइटी में हैव्स होते हैं आपके बर्जुआ जो आपके कैपिटलिस्ट या ओनर्स होते हैं, हैं प्रोलिटेरियड जो आपके कौन होते हैं लेबर्स है या आपके वर्कर्स हु द फॉलोइंग गेवल लीनियल एक्सप्लेनेशन ऑफ द दूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी तो लीनियल किसने दिया था स्पेंसर ने ठीक है परेटो ने क्या दिया था आपका ये साइक्लिक थियोरी ऑफ एलिट्स दी थी ये हमने डिस्कस करी है सोरोन ने भी क्या दिया था आपका साइक्लिक थियोरी ऑफ सोशल चेंज वेबर हमने एज सच इसमें नहीं डिस्कस किया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉमतेज थिरी ऑफ चेंज ये भी एक लीनियल मॉडल है चेंज का लीनियल मॉडल क्या होता है साइगलिक मॉडल क्या होता है वो डिटेल आपको लेक्चर से मिल जाएगा तो ये मैंने आपको कहा था टी करके याद रख लेना थियोलॉजिकल मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव थियोलॉजिकल जब रिलीजन सारे आंसर्स देगा रिलीजन सेंट्रिक आपका जो मेटाफिजिकल होता है जिसमें आप यूनिवर्स की बातें करते हो ये गॉड सेंट्रिक हो गया ये यूनिवर्स एब्सट्रैक्ट प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है फिलोसफी पे बेस्ड होता है ये वाली फेज एंड पॉजिटिव इज ये लॉजिकल थोड़ा साइंटिफिक रैशनल एक्सप्लेनेशन आप देना शुरू करते हो चीजों की हु अमंग द फॉलोइंग ऑफॉर्ड ए साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज विच व्यूज़ द सोसाइटी ऑसिलेटिंग बिटवीन थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेलिटीज इसका है सरोकिन सरोकिन मैंने आपको बताया था डायग्राम से दिखाया था मैंने आपको एक आपकी आइडिएशनल थी सोसाइटी एक आपकी आइडियलिस्टिक थी एंड आपकी सेंसेट ठीक है आइडियलिस्टिक होती है बिल्कुल स्पिरिचुअल सोसाइटी वो एक, एक एक्सट्रीम है एक एक्सट्रीम सेंसेट होते है बिल्कुल मटेरियलिस्टिक सोसाइटी जो दूसरी एक्सट्रीम है आपका और ये रिवॉल्व करता रहता है ऑसिलेट करता रहता है और बीच में जिसमें कुछ एलिमेंट्स आपके सेंसेट के होंगे और कुछ एलिमेंट्स आपके आइडिए आइडियलिस्टिक के होंगे वो कौन सी सोसाइटीज होती हैं आपकी आइडिएशनल सोसाइटीज तो ये किसने कहा था सरोकिन ने कहा था हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिस्टिक ऑफ सोशल चेंज वो किसने कहा था टी वेबलिन ने ये भी हमने नोट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है मॉडर्निटी को जगन किसने कहा एंथनी गिडन्स ने लेवल ऑफ मॉडर्निटी इन ए सोसायटी इज जज बाय सोफेस्टिकेशन उसकी टेक्नोलॉजी की इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री तीनों चीजों से जज होगी मॉडर्निटी तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबाव हुआ फॉलोइंग रोड अबाउट द मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी वो किसने कहा था जॉर्ज रिट्जर ने यह भी हमने ग्लोबलाइजेशन में एक्सप्लेन किया था िटी ग्लोबलिज्म ग्लोबलाइजेशन अलरिकूजन था इन चीजों के बीच में तो ग्लोबलिटी क्या होती है जब एक इंडिविजुअल जो होता है वो वर्ल्ड लेवल का आप बोल सकते हैं वर्ल्ड सोसाइटी का पार्ट बन जाता है इंडिविजुअल की बात हो रही है ग्लोबलिज्म होता है जहाँ पे आपकी इकोनोमी जो है उसका इम्पैक्ट आप कहाँ पे देखने लगते हो पॉलिटिक्स में तो वो एक टाइप ऑफ ग्लोबलिज्म होता है आपका जो वर्ल्ड मार्केट है आपकी पॉलिटी के साथ रिलेट हो जाता है फॉर एग्जाम्पल अंबानीज जो हैं, ठीक है तो अंबानीज इकोनॉमिकली आप ग्लोबल उनको कंसिडर कर सकते हो वो अपने बच्चों की शादी में फॉरन के पोलिटिकल लीडर्स को बुलाते हैं दैट मीन्स कोई रिलेशन है आपके इकोनॉमी एंड आपके पॉलिटिक्स का वर्ल्ड इकोनॉमी एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स का फाइनली जो ग्लोबलाइजेशन एक अम्ब्रेला टर्म है जो बताती है कि ग्लोबलाइजेशन से जो नेशंस की सॉलिडिटी है वो अंडरमाइन हो जाती है वो कैसे हो जाती है क्योंकि आप देखो आपका जो जैसे हमने ग्लोबलिज्म में भी कहा पहले देखो सॉविडिटी क्या होता है कि आप इंटरनली सुप्रीम हो एक्सटर्नली आप इंडिपेंडेंट हो दैट मींस आपकी जो कंट्री की पॉलिसीज हैं उन पे बाकी कंट्रीज जो है इंटरफेयर नहीं कर सकती है फॉर एग्जाम्पल हमारी क्या पॉलिसी होगी इंडिया की अपनी कंट्री को लेकर कंट्री ले की डेवलपमेंट को लेकर कंट्री की सिक्योरिटी को लेकर इसमें बाकी कंट्री जो है इंटरफेयर नहीं कर सकती क्योंकि हम एक सोवेर नेशन है ठीक है एक्सटर्नली भी सुप्रीम है और इंटरनली भी सुप्रीम है फाइन तो वो होता है सॉविडनिटी अब ग्लोबलाइजेशन जहाँ पे आती है आपका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स होता है या वर्ल्ड पॉलिटिक्स होता है आपको कहीं ना कहीं वो भी कंसिडर करना पड़ता है और वो चीज अंडरमाइन करेगी आपकी सॉविडनीटी को ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे कोई इशू चल रहा है ठीक है वो इशू जैसे आपने अगर फार्म वो जो एग्रीकल्चर बिल्स आई थी तीन फार्म बिल्स आई थी तो बहुत प्रोटेस्ट हुआ था फार्मर्स का तो उस चीज पे आपके जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स हैं वर्ल्ड लीडर्स हैं उनने भी कमेंट किया था ठीक है तो आपको जो अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं ये सोच के भी बनानी पड़ती हैं कि ग्लोबल लेवल पे उसका क्या इमेज बनेगी ग्लोबल लेवल पे क्या असर होगा ये ये चीज दिखाता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है इस चीज से क्या हो रहा है आपकी जो सॉवर्निटी है उस वो भी अंडरमाइन हो रही है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अम्ब्रेला टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोबलाइजेशन से आप बिल्कुल आप कंप्लीटली नहीं बोल सकते मैं एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट इंटरनली सुप्रीम हूँ या इंटरनली इंडिपेंडेंट एक्सटर्नली सुप्रीम हो क्योंकि कहीं ना कहीं देखो जैसे कश्मीर का कोई इशू चलता है ठीक है तो कैनेडा के प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलते हैं फाइन या इकोनॉमी को लेके देखो जो हमने ग्लोबलिज्म में देखा अंबानी की शादी होगी वो हिलरी क्लिंटन को इनवाइट करता है तो ये सारी चीजें जो है इन टर्म से रिप्रेजेंट होते हैं ग्लोबलिटी जैसे इंडिविजुअल जो है वो एक वर्ल्ड सोसाइटी का पार्ट बन जाता है ठीक है ग्लोबलिज्म में आपकी इकोनॉमी पॉलिटिक्स मिक्स हो जाती है एंड ग्लोबलाइजेशन में आपकी जो कंट्री की सोलिडिटी है वो अंडरमाइन हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी पॉलिसीज आप बना के लेके आते हो उसके रेपोकशन उस पर बातें उस उसपे डिस्कशन जो है आपको वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलते हैं तो ये तीन जो टर्म्स है इनकी डिफ्रेंसेज हमें यू बैक ने बताई थी अलव्रिज बैक ने इतना आप याद रखो तो डिफरेंट कुछ स्कूल्स थे ग्लोबलाइजेशन के हाइपर ग्लोबलाइड जो थे, वो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करते थे स्केप्टिक स्कूल बोलते थे कि ग्लोबलाइजेशन इज अ मिथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन स्कूल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कहते थे ग्लोबलाइजेशन जो इट लीड्स टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन तो चूज अ करेक्ट ऑप्शन इसमें रॉन्ग कौन कौन से ए एंड बी ए एंड बी तो आंसर होगा ए ठीक है तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होगी टेस्ट सीरीज तो अब क्या करोगे आप एक तो जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं कॉमेंट करो उनके आंसर एंड आप क्या करोगे आप मुझे अपना स्कोर जो है वो बताओगे आपने वन हंड्रेड नाइन में से कितना स्कोर करा है ठीक है तो जल्दी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज अपलोड हो जाएगी उसके बाद उसका जो वीडियो सोल्यूशन वो आएगा टिल द टाइम अपलोड नेक्स्ट डे ग्रेट डे